आप सभी को प्रणाम। केमिस्ट्री का कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कल जरा तबीयत खराब हो गई थी। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बोले थे आपको कि तीन तीन दिन का आप लोग टर्न बनाइए। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टर्न है, शनिवार है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वाला काम खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि आखिरी में गॉस थ्योरम है और गॉस थ्योरम से एक आध प्रूफ है। आज कोशिश यही करेंगे खत्म हो जाए। कल शाम तक हम आपको सारे चैप्टर, मतलब इस पूरे चैप्टर से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको जरूर देंगे, ठीक है? आप उसको ट्राई करिएगा। हालांकि मैं इसमें भी कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल देने के लिए, खैर टाइम बर्बाद ना करते हुए अभी हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझना है तो सबसे आसान भाषा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप सिंपल सी भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे नदी का प्रवाह, नदी की धारा बह रही है, नदी की धारा बह रही है और अगर आप उसमें कोई नाव रख देंगे तो जिस तरीके से नाव जाएगी कह देंगे कि उसी तरीके से क्या हुआ, पानी का धारा बह रहा है। भाई अचानक जैसे मान लीजिए बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा कि ऊपर कुछ झंडे लगाए जाते हैं। झंडे काम क्या होता है? झंडे काम होता है कि किधर की तरफ चार्ज लहरा, किधर की तरफ हवा लहरा रहा है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को छोड़ देंगे तो चार्ज जिस जिस रास्ते से जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर से मैं बताऊं, नदी की धारा को पहचानने के लिए नदी में हम नाव डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, तो जिधर जिधर नाव गया उधर उधर कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, उधर उधर पानी का प्रवाह हुआ, और जिधर जिधर चार्ज गया उधर उधर कह देंगे कि क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये बात समझ में, जिधर पानी का, जिधर नाव गई वो पानी का प्रवाह हुआ, जिधर चार्ज गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है? अगली बात सुनिए, कह रहा है कि अब इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं। द कर्व अलोंग व्हिच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, जिधर से स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जाता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, कहेंगे सर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके किसी एक पॉइंट पर ड्रॉ करें टेंजेंट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अगली बात सुनिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता रहा है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, एक जगह से शुरू होकर और एकदम लगातार चलते जाती है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती है। अगली बात सुनिए, कह रहा है दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर और नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से शुरुआत होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। अगली बात कह रहा है कि जब टेंजेंट की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता दिए हैं। अगली बात सुनिए, कह रहा है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर क्रॉस ईच अदर, कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। कई बार पूछ दिया जाता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट क्रॉस ईच अदर, यही सेम बात मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, यही बात आज इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। क्या होता है, कहेंगे कि सर अभी हमने बताया, तीसरी लाइन की स्टेटमेंट को ध्यान करिए, कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट उसका क्या बताएगा, डायरेक्शन। यहाँ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक इधर, एक ही जगह पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है। एक ही मंदिर पे अगर दो को तिरंगा, दो को झंडा को लहरा देंगे तो सोच के बताइए, एक पूर्व एक पश्चिम कभी लहरा सकता है क्या? अगर लहराएगा तो दोनों पश्चिम, और लहराएगा तो दोनों पूर्व की तरफ। कहेंगे वैसे ही एक ही पॉइंट पर कभी भी, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं कर सकती क्योंकि दो डायरेक्शन हो जाएगा। अगली बात सुनिए, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू, अच्छा कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बचना तो आप क्या करिए, मेटल का सेल बनाकर चारों तरफ से और अंदर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी मेटल के सीट के अंदर, मेटल कंडक्टर के अगर आप अंदर चले जा रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता। अगली बात सुनिए, आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ डिफरेंट चार्ज, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। देखिए पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये रिपल्सन होगा, यानी कि इधर की तरफ जाएगा, और जब तक आप ये नहीं बनाएंगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही नहीं होगा। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज होता तब कहेंगे कि सर फिगर सेम बनता, बस इसमें डायरेक्शन इधर की तरफ उल्टा बन जाता। अगली बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कहेंगे सर पॉजिटिव से शुरुआत होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर एक रॉड में हो तब कहेंगे सर तब यूनिफॉर्मली
पॉजिटिव से निकलेगा और अगर नेगेटिव रॉड होगा तो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा। अगली बात सुनिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सुनिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कह रहा है कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, किसी गिवन एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली मतलब कि 90 डिग्री पर पास कर जाए, वही उस पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहे थे, तो कह रहा है कि जितने, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गिवन एरिया हो गया और ये जितनी पेन और क्या है लीड, जितनी पेन और लीड है, रिफिल है हमारे हाथ में, ये क्या है, कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सुनिए सोच के बताइए कि क्या ये वाली पेन इस एरिया को कट की, क्या जो ये वाली पेन है क्या इस एरिया को कट की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को कट नहीं करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर क्या करेगी, फ्लक्स नहीं बनाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को चीरते हुए ऐसे अगर 90 डिग्री पर निकल जाए तो कहेंगे कि सर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया पर क्या बनाएगी, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी गिवन एरिया को चीरते हुए 90 डिग्री पर निकले उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। आगे अभी हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग फाई के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, तो हम बोले कि किसी भी सरफेस के जो नॉर्मली 90 डिग्री पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है वही उस सरफेस पर क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट ए, और E dot A होगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर E dot A और dot product करेंगे तो क्या होगा, EA cos theta। अगर EA cos theta करेंगे तो cos theta की value क्या, अगर मान लीजिए कि cos 0 हो गया और cos 0 की value क्या होता है, कहेंगे सर cos 0 की value होता है 1, तो कहेंगे सर phi equal to हो जाएगा E into A। अच्छा कल हम लोग ये बात पढ़ते, मतलब जब कभी पढ़ेंगे कि E equal to क्या होता है, F by Q, तो सोच के बताइए कि क्या हम E की जगह पे F by Q लिख सकते हैं, into A। हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, देखिए डायमेंशन रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, MLT2 पता नहीं क्या क्या होता है। याद करने का तरीका ये कि आप F का डायमेंशन पता होगा, नहीं पता है तो याद कर भी सकते, पता भी कर सकते हैं। F का डायमेंशन क्या होता है, मीटर, मतलब F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का डायमेंशन m, एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT^-2, q का डायमेंशन at और a का डायमेंशन l2। सॉल्व करेंगे तो ml3 a^-1 t^-3 ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम चाहे वोल्ट मीटर, ये वाली यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताइए और उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ना देके क्या दे देता है, वोल्ट पर मीटर। हम लोग सोचते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है लेकिन होता नहीं है। अगली बात करेंगे क्या होता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो सबसे आसान है, सबसे पहले समझते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। कहेंगे सर गॉसियन सरफेस ये होता है कोई एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, कोई एक अपने आप से क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए, यही होता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कुछ नहीं, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, बस इमेजिनरी क्लोज सरफेस है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ये क्लोज होगी, कभी ओपन नहीं होती है, हरदम क्लोज होती है। अब आते हैं गॉस सरफेस पे, कह रहे हैं कि किसी अंदर अगर चार्ज रखा गया है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा गया है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम के अनुसार से किसी क्लोज सरफेस के अंदर कुल रखे गए फ्लक्स का, कुल रखे गए चार्ज का फ्लक्स कितना होता है, कहेंगे सर चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आइए तो कहेंगे कि सर 1/εr इक्वल फाई इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े कि ई डॉट डीएस होता है, अभी क्लोज सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे सुनिए, कह रहा है कि लेट अस कंसीडर दैट कि क्लोज सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, इसके सेंटर पे एक चार्ज है, तो कह रहा है कि आप निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कहेंगे कि सर फाई इक्वल टू हमने पढ़ा है ई डॉट डीएस, ds कहेंगे सर एक छोटा सा वेक्टर, हमने छोटा सा एरिया वेक्टर लिया जिसका एरिया कितना है ds,
हम कहेंगे सर ds का इंटीग्रेट कर देंगे, तो किसी पूरे स्फीयर का इंटीग्रेशन ds का करेंगे तो टोटल एरिया कितना होता है 4 pi r स्क्वायर। और अभी आप पढ़े हैं कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये लेक्चर है कि phi इक्वल टू कितना होता था q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए दोनों में LHS इक्वल है तो क्या RHS भी इक्वल होना चाहिए क्या? अगर RHS इक्वल होगा तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 पाई r स्क्वायर। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। एक और बात ध्यान दीजिए खतरनाक इंपॉर्टेंट की ये बात है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी बड़ा कंट्रोवर्सी वाली बात है, तो ध्यान दीजिए एरिया हर वक्त स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का वेक्टर किधर की तरफ होगा, जैसे अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, कहेंगे कि सर बोर्ड से परपेंडिकुलर आपकी तरफ, बोर्ड से परपेंडिकुलर आपकी तरफ। अगर हम बात करेंगे कैमरा का एरिया किधर की तरफ होगा तो कैमरा से परपेंडिकुलर मेरी तरफ। अगर हम बात करेंगे इधर की दीवार का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, दीवार से परपेंडिकुलर मेरी तरफ। तो एरिया स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, कहेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी। चलिए भाई धन्यवाद, चैप्टर नंबर पहला पूरा हुआ, आगे कल हम न्यूमेरिकल का वीडियो डालेंगे शाम तक। और अगली बात यह है कि अब अगले दिन से सोमवार से नया चैप्टर शुरुआत कीजिएगा, सॉल्यूशन बचा हुआ है कोशिश करेंगे सॉल्यूशन खत्म हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है धन्यवाद।